ये मणिपुर के जंगलों में मिल गया है, ये मणिपुर के जंगलों में हमें रात को मिल गया है। बहुत ही वेनेमस ग्रीन पिट वाइपर। अब सांप का आइडेंटिफिकेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज यदि बाय चांस आपको खुदा ना खास्ता काट ले तो जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं एंटी वेनम, जो ये इंजेक्शन लगता है इसका, सीधा नहीं लगता है, ड्रिप में लगा के दिया जाता है। तो अगर ये नॉन वेनेमस स्नेक में आपको लगा दिया गया तो नुकसान हो जाएगा। ये पानी मिक्स करके इसको बना जाता है सॉल्यूशन और फिर ड्रिप के जरिए लगाया जाता है। तो ये जहरीले पे ही लगाना है, ये ध्यान में रखना है। दिखाओ इसको मुंह पे, दिखाना। हाँ चल रहा है, ये रहा है ना, गर्दन बिल्कुल, ये हल्का है, सिर बड़ा है, ये पूंछ इसकी। क्या सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं ना। जैसे कभी स्नेक मिल जाए तो उसको कोई मारना नहीं चाहिए। अब तो कैमरा आ ही गया है, बस मजबूरी में मारते हैं हम, ऐसे नहीं मारते हैं ना, मजबूरी में। अभी तो कोई मजबूरी है नहीं, बस हम फोटो खींचेंगे बेटा, फिर तेरे को जाने देंगे। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। ये रेड टेल बैम्बू पिट वाइपर बहुत ही वेनमस स्पीशीज है। पूंछ छोटी सी है, बहुत ही। खा पी के नाइट वॉक पे निकला, डाइजेशन इसे वाला ही दिखा था, दिखा दे फेस पे मार रहा। सही आ रहा है। दूसरा साथ से इसका सिर थोड़ा बड़ा टाइप का है, चल रहा है पानी। हाँ सही दिख रहा है ना, इसमें पास से एकदम अब प्रकट होगा। वाह हा हा, नाला पार करने के लिए। इसीलिए स्नेक्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप एंटी वेनम, जो स्नेक एंटी वेनम सेरम है, ये एडमिनिस्टर कर पाए पेशेंट को। देखिए इस पर डोज लिखी है, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेथ वाइपर, रसल वाइपर, सौ स्केल वाइपर, हर के हिसाब से इसकी डोजेज भी लिखी है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहचाने कि स्नेक था कौन सा, तो डोज भी पता चल जाएगी और जहरीला नहीं है और ये लगा दिया तो भी नुकसान पहुंच जाएगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा बॉडी में। तो इसलिए कभी भी ऐसा सांप दिखे काट ले अगर, तो फिर मार के उसको या फोटो खींच के आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब ये सांप मिला हमें तो हम खुद इसको गलत आइडेंटिफाई कर बैठे पहले इनिशियली, कि हमें लगा ग्रीन वाइन स्नेक है दूर से, बट बाद में पता चला कि ये तो मोस्ट डेडली रेड टेल्ड बैम्बू पिट वाइपर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक स्नेक से। एक आदमी को काटा था तो 10 एंटी वेनम लगाने पड़ गए, 10, कैन यू इमेजिन, जो मैंने आपको इंजेक्शन दिखाया। तो पेशेंट को कभी काटे तो हमेशा सांप अगर मार के ले आए तो बेस्ट है, काटने के बाद ही, ऐसे फालतू में नहीं करना है। या कम से कम फोटो या आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि कौन सा था, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। स्टे सेफ एंड बाय, टेक केयर।